दोस्तों, जब भी महाभारत की बात होती है, कर्ण और अर्जुन का नाम हर इंसान के दिलो दिमाग में जरूर आता है। दोस्तों, आज हम आपको कर्ण के बारे में ऐसे राज्य बताने वाले हैं जो शायद आप जानते होंगे। तो दोस्तों, आज आप जानेंगे कर्ण का कवच कुंडल कितना शक्तिशाली था, कर्ण से ज्यादा शक्तिशाली कौन था, इंद्र ने कर्ण से कवच कुंडल क्यों मांगे, कर्ण के कवच और कुंडल अभी कहाँ है, कर्ण को कौन हरा सकता था, कर्ण की अंतिम इच्छा क्या थी, मरते समय कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से क्या मांगा था। आज दोस्तों, ये सभी प्रश्न का उत्तर आपको इस वीडियो में मिलेगा और दोस्तों वीडियो काफी यूजफुल है, पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता देते हैं कर्ण का कवच कुंडल कितना शक्तिशाली था। कर्ण के कवच कुंडल में क्या शक्ति थी? यह कवच कुंडल एक ऊर्जा थी जो कर्ण के साथ अदृश्य रूप में रहा करती थी। इस सुरक्षा कवच पर किसी भी अस्त्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। कोई अस्त्र कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन कर्ण के इस कवच कुंडल को भेद नहीं पाता था। सूर्य देव का भेंट किए हुए कवच के सामने दिव्य शास्त्र तक धराशाही हो जाते थे। अब दोस्तों, आपको पता चलेगा कर्ण से ज्यादा शक्तिशाली कौन है। कर्ण और अश्वत्थामा दोनों के पास अमरता का स्रोत था। कर्ण के पास उसका कवच और अश्वत्थामा के पास उसकी मणि। कर्ण ने अपना कवच खो दिया और फिर भी वह अश्वत्थामा से अधिक शक्तिशाली था। चलिए दोस्तों, आगे जानते हैं इंद्र ने कर्ण से कवच कुंडल क्यों मांगे। चलिए इसके बारे में जानते हैं। देवराज इंद्र भी अपने पुत्र अर्जुन को लेकर हमेशा चिंतित रहते थे। कृष्ण और इंद्र दोनों ही भली भांति जानते थे कि युद्ध भूमि में अर्जुन की सलामती के लिए कर्ण के कवच और कुंडल उससे लेने ही होंगे। आगे जानते हैं दोस्तों, कर्ण के कवच और कुंडल अभी कहाँ है। आज भी पूरी दुनिया में कर्ण के कवच और कुंडल कहाँ है, इस बारे में कोई नहीं जानता। कुछ मान्यता है कि भगवान इंद्र ने कर्ण के कवच और कुंडल को कोणार्क, मतलब दोस्तों सूर्य देव का मंदिर में छिपा दिया था, जबकि कुछ मान्यताएं हैं कि कवच हिमालय की गुफाओं में छिपा है और तक्षक नाग द्वारा संरक्षित है। तो चलिए आगे जानते हैं दोस्तों, कर्ण को कौन हरा सकता था। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्ण को महाभारत में तब तक नहीं मारा जा सकता था जब तक कि उसके हाथ में वह धनुष था। कर्ण ने कुंती को वचन दिया था कि वो उसके चार पुत्रों की जान नहीं लेगा, लेकिन वह सिर्फ अर्जुन से ही युद्ध करेगा। दोस्तों, आगे जानते हैं मरते समय कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से क्या मांगा था। कर्ण ने वरदान के रूप में अपने साथ हुए अन्याय को याद करते हुए भगवान कृष्ण के अगले जन्म में उसके वर्ग के लोगों के लिए कल्याण करने को कहा। दूसरे वरदान में उसने मांगा कि उसका जन्म उस राज्य में हो जहां भगवान श्री कृष्ण का शासन हो, और तीसरे वरदान के रूप में अपना अंतिम संस्कार ऐसी जगह करने को कहा जहां कोई पाप ना हो और वह स्थान पाप से मुक्त हो। दोस्तों, आपको यह सब कर्ण के बारे में जानकर कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताइएगा।